नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन रिलेशन बिटवीन द डिस्प्लेसमेंट एक्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस बाय द एप्लीकेशन ऑफ द वेरिएबल फोर्स एफ इज रिप्रेजेंटेड बाय अ ग्राफ शोन इन द फिगर इफ द ऑब्जेक्ट अंडरगोज अ डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम एक्स इक्वल टू पॉइंट फाइव मीटर टू एक्स इक्वल टू टू पॉइंट फाइव मीटर वर्क डन विल अप्रोक्सीमेटली बी इक्वल टू और हमें को ऑप्शन दे रखे हैं सिक्सटीन जूल थर्टी टू जूल या फिर वन पॉइंट सिक्स या फिर एट जूल नाउ ये सवाल अकॉर्डिंग टू वन पॉपुलर बुक आपसे 1986 में पूछा हुआ है uh, इस सवाल में कोई फॉर्मूला कोई uh, चीज़ एप्लीकेबल नहीं होगी प्योर अंदाजे का सवाल है ऐसे सवाल हम जेई वालों को तो अक्सर करवाते हैं पर नीट में भी ये सवाल इस बात का एग्जाम्पल है कि इस तरह के सवाल हिस्टोरिकली पूछे हुए हैं uh, क्या ये सवाल एज इज़ आपके सिलेबस में होना चाहिए आई डाउट पर एक बार क्योंकि पूछा हुआ है तो मैं आपको अंदाज़ा करना है, इस पर सिखा देता हूँ नाउ ये ग्राफ है इसको ऐसे देखें आपका फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ दिया हुआ है और ये ग्राफ है आपका जो चालू हो रहा है यहाँ से हमें बताना है एक्स इक्वल टू ज़ीरो पॉइंट फाइव से लेके कर टू पॉइंट फाइव तक की हमें कहानी करनी है और ये ग्राफ कुछ इस प्रकार जा रहा है न अब हमें ये अंदाज़ा यहाँ पे लगाना है कि इसमें ये जो एरिया होएगा इस एरिया को हमने एस्टिमेट करना है कि ये एरिया और ये एरिया कितना आएगा ना इसको अगर हम डेटा को थोड़ा गौर से देखेंगे सो so इस डेटा को देख के हम ये कह सकते हैं कि पॉइंट फोर पर हमारी ये वैल्यू फोर है और यहाँ पे सॉरी पॉइंट फाइव पर हमारी वैल्यू फोर ये वाली पॉइंट टू फाइव पर वैल्यू फोर है और यहाँ पे ये वैल्यू टू है आपकी पॉइंट फाइव पर हमें अंदाज़ा लगाना है कि इसका एरिया क्या आएगा बिकॉज एफ और डी का अगर आपको ग्राफ बना हुआ है सो एफ वर्सेस डी का अगर ये ग्राफ बना हुआ है तो आपका वर्क डन एरिया अंडर द कर्व हो जाएगा सो so अगर तो हमें ट्रेफीजियम का एरिया आता है बहुत बढ़िया नहीं भी आता तो भी हमें सिर्फ अंदाजा लगाना है यहाँ पे। सो so अगर इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करें तो पहले तो ये वाला पार्ट जिसको हम रेक्टेंगुलर पार्ट बोल सकते हैं इस रेक्टेंगुलर पार्ट का जो एरिया आ जाएगा सो दैट विल बी इक्वल टू हमें टोटल एरिया निकालना है दैट विल बी इक्वल टू ये हो गया फोर मल्टीप्लाइड बाय ये हो गया फोर मल्टीप्लाइड बाई टू सो दैट विल बी इक्वल टू एट प्लस अब हमें इस जो कर्व है अगर ये कर्व आपको पैराबोलिक दिया हुआ है कर्व अगर आपको ये हाइपरबोला है, दिया हो या सर्कुलर दिया हो तो उसका मैं आपको फिर भी बता सकता हूँ कि अंदाज़ा लेके कि एरिया अंडर द कर्व कैसा होता है मैथ्स में सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं लेकिन यहाँ पर रेंडम ग्राफ है हमें कोई अंदाज़ा नहीं है इस ग्राफ को थोड़ी देर के लिए हम यहाँ पे ट्रायंगल मान के देखते हैं तो इसको अगर हमने यहाँ पे एक ऐसे ट्रायंगल माना तो उसके बेरिस पे देखते हैं कि इस ट्राएंगल का क्या एरिया आएगा और उस ट्राइंगल के एरिया से फिर हम अंदाज़ा लगाएंगे कि इसका जो एरिया आएगा उससे हल्का सा कम ही, सा या हल्का सा ज़्यादा ये आपका एरिया आ, की वैल्यू होने वाली है लाइट नेक्स्ट विल बी ट्राइंगल का एरिया सो so, ट्राइंगल का एरिया अगर हम देखेंगे सो दिट विल बी इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाइड बाई ये वाली साइड है अपनी टू मल्टीप्लाइड uh, बाय ये वाली साइड हो गई सिक्स सो दैट विल इक्वल टू फोर्टीन जूल. नाउ बेस्ड ऑन दिस हमारा अंदाजा ये है कि इसका अगर ये ट्रेपीजियम पूरा होता तो इसका आपका एरिया था फोर्टीन जूल. नाउ ये ग्राफ क्योंकि प्रॉपर ट्रेपीजियम ना होके ये ग्राफ थोड़ा सा इस प्रकार बना हुआ है ऐसे तो इसका एरिया 14 से कम होगा थोड़ा सा कम रहेगा नाउ बेस्ड ऑन दिस हम चार ऑप्शन को देख के कह सकते हैं कि डेफिनेटली आंसर इसका 32 या 16 नहीं हो सकता इसका आंसर 8 जूल होना चाहिए अगर सिर्फ अंदाजा ही हमें लगाना है तो सो बेस्ड ऑन दिस हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर डी एट जूल माइट बी द राइट आंसर